हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं जा रहा हूँ अपने घर को, यानी कि रानीखेत। तो आज से मतलब यह है कि मैंने अपनी मोटर राइडिंग की व्लॉग की जो सीरीज़ है वो शुरू की है। मुझे भाई बहुत टाइम लग गया वापस आने में यार, 5 करीबन 6 महीने बीतने वाले व्लॉगिंग छोड़े हुए। एक टाइम में रेगुलर व्लॉगिंग भी करी वो करी, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो मोटो राइडिंग कंटेंट है वो करूँगा। और पीछे यहाँ पे ये मेरा मंदिर है। तो गाइस हम निकलते हैं फटाफट। पहले मैं गाड़ी रेडी करता हूँ, सामान बांधना है गाड़ी पे, और थोड़ा ज़्यादा सामान भी है गाड़ी में, सामान बांधता हूँ। और इस बार हम जाएंगे अपने बुलेट से घर। तो गाइस फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी निकलने के लिए, और अभी 4:30 हो गए। मुझे 4 बजे निकलना था, आधा घंटा ऑलरेडी लेट हूँ। और गाड़ी को थोड़ा गर्म कर रहा हूँ अभी अपने, क्योंकि यह है गाड़ी, बहुत दिन बाद दिखा रहा हूँ आपको, गर्म कर रहा हूँ। अभी इसके चैन में लूप भी मारना है, लुब्रिकेंट भी चैन में मारना है। गाइज मेरे पास ना रस्सी नहीं थी, तो मैंने जो सुतली धागा होता है अपने, उससे थोड़ा यूज़ किया है। और बाकी अभी हल्का हल्का फॉग टाइप का भी है। और यह है मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ। गाड़ी को लंबा सफ़र में जाना तो लंबा वो करेंगे। और मैंने घर जाने के लिए बड़ा वाला हेलमेट रखा है, और अपना जो कुशन वगैरह के लिए प्रॉपर एक एक्स्ट्रा वो लिया। भले इसको कुशन की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं मुझे, बट यह भी कमर पर लगाने के लिए, लॉन्ग राइड है इसलिए। और मुझे बस मेन डर यह है कि सामान का, मेरा सामान सुरक्षित रहे। और बाकी मिलता हूँ आपसे रास्ते में फटाफट गाड़ी गर्म करके। तो गाइस मैं हूँ फिलहाल अभी हरिद्वार हाईवे पर, और मैं निकल चुका हूँ देहरादून से, मतलब मैंने जो कैलाश हॉस्पिटल है वो क्रॉस कर चुका हूँ। गाइस थोड़ा आपको थोड़ा दिखने में इशू हो सकता है, क्योंकि रात का सीन भी है। और दूसरी बात यह है कि मैंने हाथ से शूट कर रहा हूँ, मैंने अभी जो व्लॉगिंग स्टैंड है वो उस पर लगाया नहीं है ढंग से, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा शायद दिखेगा भी नहीं साफ। मैंने भी लगाया भी नहीं है, क्योंकि हेलमेट बहुत वेटेड हो रहा था। मैं निकल चुका हूँ फिलहाल, और मुझे फटाफट पहुँचना है हरिद्वार। वहाँ पर हल्का थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, देन उसके बाद जाकर आगे रास्ता कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ हरिद्वार, और अभी 1 घंटा हो चुका मुझे राइड करते करते। और जो आपको ऊपर वो लाइट दिख रही है, मैं फोकस कर लेता हूँ, ये लाइट, ये है मनसा देवी मंदिर। और बहुत जल्दी मैं यहाँ भी एक्सप्लोर करूँगा। तो ये मनसा देवी मंदिर है, और नीचे इधर गंगा जी बह रही है, और उधर है हमारा हर की पैड़ी। उस साइड को मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि रोड साइड से व्यू क्लियर नहीं आ रहा था। और अभी हम चल चुके लंबा, गाड़ी भी थोड़ी हल्की गरम गरम क्या, ठीक है, मतलब अभी आगे जाके थोड़ा रेस्ट लूँगा। तो गाइस आप जैसे कि इसमें देखो, महसूस तो मैं कर रहा हूँ और देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन सुबह सुबह की ठंडी हवा के साथ ये गंगा जी का नज़ारा फाइनली मुझे मिल गया है। और मैं हूँ अभी नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर, और ये है गंगा जी का सुंदर सा नज़ारा। और यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको मनसा देवी मंदिर, और ये जो सीधे सामने हाईवे जा रहा है वो है आपका दिल्ली हाईवे, और यहाँ से आपके गंगा जी। और ये बहुत सारे घाट बने हुए हैं, और शायद यहाँ पूजा वगैरह भी होती है, क्योंकि मेन जो है हमारा हर की पैड़ी घाट उस साइड पर है। तो गाइस यह सुबह सुबह गंगा जी के दर्शन, जय गंगा मैया की, और आप सभी को ब्लेस करें इस दिवाली पर। और बाकी मैं निकलता हूँ, मुझे लंबा सफ़र जाना है, तो मैंने कहा आपको छोटा सा व्यू गंगा जी का दिखा के जाऊँ यहाँ से। मेरे सामने भए लमो लमो झगड़ा गरी दिन बिताउने भए फकाउन सिकाउन तिमी सँगै सँगै बिताउने छ चाहन समय धेरै धेरै चलिरहेको के छ तिम्रो मन भित्र खै। तो गाइस फिलहाल मैं हवा गाड़ी की हवा चेक कराने के लिए रुका हुआ हूँ, और देखता हूँ मेरे सामान का थोड़ा ना पीछे यार सामान ढीला ढीला सा हो रहा है, कि मैं सुतली धागे से बांधा था सुबह। और अब देखता हूँ कि अंकल के पास को कोई जुगाड़ मिल जाए। फिलहाल पहले हवा चेक कराते हैं, हवा चेक कर लो ठीक है, नहीं है पीछे करूँ आगे लूँ? ओके हो गया। अंकल जी मेरी गाड़ी की हवा चेक कर रहे हैं, और बोला आई थिंक हवा थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे घर से लग रहा था हवा थोड़ा कम है करके।
क्योंकि सुबह सुबह कल मैं शाम को भराने के लिए गया था तो मुझे कोई दिखा नहीं ऐसा कि मैं जहाँ पे हवा भरा सकूँ। सब दुकानें बंद हो चुकी थी ड्यूटी से आने के बाद, और अभी सुबह से पहले अंकल जी मिले तो टायर में हवा सही रहने चाहिए। सफ़र लंबा है और रास्ते में कोई दिक्कत भी ना आए। ये हम अभी चिड़ियापुर जिला हरिद्वार, भी हरिद्वार के अंदर ही हूँ यार मैं। अरे बहुत टाइम लगेगा भाई। तो गाइस मेरे को रास्ते में अंकल मिल गए थे एक, और उन्होंने मुझे रस्सी दी, मतलब जो हमारा ट्यूब होती टायर की वो काट के दी मुझे, ताकि मैं सामान बांध सकूँ। सामान बहुत मिल रहा था, तो अंकल का बहुत बहुत थैंक यू यार कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं रास्ते जो हेल्प कर रहे हैं। और ऊपर से मैं लंबी राइड में था तो उन्होंने खैर हवा भी डाल दी गाड़ी में और अपना ऊपर से मेरा ये सामान वान बांध दिया। और सुबह सुबह मतलब राइड करने का मज़ा अलग है यार। और कभी भी हो ना, अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है तो आप मॉर्निंग राइड करो, और मॉर्निंग राइड सबसे बेस्ट रहती भाई। इससे बेस्ट और कुछ रहता ही नहीं है मॉर्निंग राइड के, क्योंकि मॉर्निंग राइड ऐसी राइड है कि भाई इसमें मज़ा भी आता, आदमी थकता भी नहीं है। मैं करीबन नहीं भी तो 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई थकान नहीं है। गाड़ी का कमाल भी है, और प्लस यह है कि मैं अपना साथ पूरा इंतजाम लेके चल रहा हूँ, अपना ब्रेक रेस्ट वगैरह सब कुछ गाइस। गाइस मैं तुम बुलेट की एक बहुत प्यारी चीज़ बताऊँगा कि पहली बात तो भाई ये है कि डेफिनेटली आप इसी से एग्री करोगे कि भाई चिपक के चलती है रोड से, दब के चलती है रोड से। और दूसरी बात ये, अगर आपको लंबा सफ़र करना है बुलेट में ना, तो मैं आपको छोटी सी खासी बताऊँगा, टोटल हल्का सा दो और गाड़ी खुद ब खुद भागती है भाई। क्योंकि मैंने जो सिर्फ हाथ रखा है बस, ज़्यादा तेज़ थ्रोटल भी नहीं दिया। इससे एक बेनिफिट ये रहता है कि गाड़ी कभी तुम्हारी ज़्यादा गर्म भी नहीं होती, गाड़ी का गाड़ी में हीटिंग इशू नहीं आता। मैंने देखा अक्सर ये जो नई वाली गाड़ी है, लोग सचे मैंने रिव्यू बना रहे कि भाई गाड़ी में हीटिंग इशू आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन नहीं भाई, गाड़ी में हीटिंग इशू नहीं आता अगर तुम थ्रोटल अच्छे से प्रॉपर तरीके से दोगे तो। भाई नज़ारा देखो यार, क्या हाईवे का नज़ारा भाई, मज़ा आ गया राइड में। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नजीबाबाद, और मैं शॉर्ट रास्ते से आया था, हाईवे वाला रास्ता भी है। तो भाई यहाँ लगा भयंकर जाम, और रामनगर दिखा रहा है गूगल मैप पे, तो 7 किलोमीटर आगे शायद कुछ आर्मी की गाड़ियाँ वगैरह हैं, और उसके आगे पता नहीं था जाम क्यों लगा। आई थिंक मेरे हिसाब से सिग्नल वे होगा यार। और बहुत जल्दी फिर उसके ब्रेकफास्ट वगैरह भी करता हूँ टाइम पे, और गाड़ी को शायद आधा घंटा रेस्ट दूंगा उसके बाद चलूँगा, क्योंकि मैं 4:30 चला था, अभी 7 बज चुका, कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ मैं। मैंने गाड़ी रोकी भी नहीं, गाड़ी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यही तो अपना इंडिया है, देखो पता है गाड़ी नहीं जाएगी फिर भी आगे बढ़ा रहा है, ताकि कोई जगह मिल जाए कट मार के निकल जाए। गाइस शॉर्ट रास्ता क्रॉस करा ही था तो मुझे मिल गया एक रेलवे फाटक, और यहाँ पे 2 ट्रेनें क्रॉस होने वाली है सामने से, अभी बंदे ने बताया। और मतलब मिनिमम नहीं भी तो आधा घंटा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो क्यों ना गाड़ी बंद कर ली जाए, इस मोमेंट का एंजॉय किया जाए भाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे ट्रेन में नहीं गया हुआ। तो भाई इंजॉय करो यार मोमेंट, लेकिन सुबह सुबह का टाइम पर ट्रेन भाई, एक पिक्चर्स तो पिक्चरों में सीन होता है ना भाई, वही वाला सीन हो रहा है बिल्कुल यार। सभी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बगल वाले अंकल जो वाइट कार में, ये भी शायद मे भी हल्द्वानी ही जा रहे हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी भी जो रुको नंबर की है। तो व्यू को एंजॉय करो। गाइस फिलहाल मैं रुका हूँ खाना खाने के लिए एक जगह पे, यह है नगीना, और नगीना से फिर देखो थोड़ा गाड़ी को रेस्ट भी देना था, क्योंकि बहुत मतलब कंटिन्यूसली मतलब मैं 150 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलने में हूँ, और मतलब राइडिंग क्या होती है मुझे आके चला भाई। मैं कंटिन्यूसली 150 किलोमीटर चलने में हूँ, और मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि भाई मैं कहीं सफ़र में हूँ, मतलब बिना थकावट के भाई, समझ लो बिना थकावट के, मतलब लेकिन रॉयल एनफील्ड है भाई, अपनी गाड़ी की तारीफ वाली बात नहीं कहेंगे, बट बिना थकावट के भाई मैं वहाँ से यहाँ तक आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने देखा कि हमारे देहरादून में या हमारे पहाड़ साइड को छोले के साथ ना समोसे मिलते हैं, और यहाँ मतलब बूंदी का रायता और समोसा होता है। हम जैसे छोले समोसे खाते हैं, यहाँ बूंदी का रायता और समोसा होता है भाई। मैंने पहली बार ट्राई किया और टेस्ट का भी डिसेंट है, मतलब अच्छा है। जैसे अगर कहा जाता है कि 16
छोला समोसा अपनी जगह है और इसका जो टेस्ट है अपनी जगह है, डिसेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी देखो कॉफ़ी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब जेनवनली यार ये देखा जाए तो अच्छा टेस्ट है सका। मतलब बूंदी का रायता है और यानी कि मतलब रायता में कंजूसी की है नहीं भाई, भरपूर रायता दिया है और ऊपर समोसा भाई अमेजिंग टेस्ट। गाइस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से सफ़र पर निकल चुका हूँ और भाई ये रास्ता पूरा का पूरा सिंगल वे है यार, मतलब करीबन अभी नहीं तो मुझे हाईवे में पहुँचने में टाइम लगेगा और मैं काफ़ी लेट सा हो रहा हूँ। मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि भाई मैं बहुत लेट हो रहा हूँ और भाई इस रोड में भले जैसे बोल के मज़ा आ रहा है और पूरा गाँव का गाँव साइड के इलाका यूपी वाला इलाका है और पूरे गाँव का सुबह सुबह का नज़ारा देखो भाई क्या फर्स्ट क्लास मज़ा आ रहा है। गाइस अब मैं सीधे मैं थोड़ा कर रहा हूँ कैमरा स्टॉप और अब मैं सीधे ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा गाइस रामनगर से, कि रामनगर से भाई गाड़ी भगानी है तो जल्दी घर पहुँचना भाई। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रामनगर और रामनगर कब से आगे आ चुका हूं क्योंकि मुझे टाइम पे घर पहुंचना था और मैं आपको दिखाता हूं मेरे यहां देखे दो पालतू हाथी भाई, बड़े गजब विशाल का हाथी है भाई। मैं जूम करके दिखाता हूं ये देखो अखाउट करके इनका भाई दिमाग समझ कर नहीं तेल ना दे मेरे को, लेकिन भाई बहुत टाइम बाद देखे हाथी कि बचपन में इस रोड में आज करीबन नहीं भी तो इस रोड से मैं अपने 10 से 12 साल बाद जा रहा हूँ फिर जो रामनगर रानीखेत रोड है। बचपन में आते थे सेवन्थ क्लास में था और उसके बाद आज ही देखा गया क्योंकि बचपन से हम आते थे ना पहाड़ पे तो हम लोग यहीं से देखते थे हाथियों को और आज भी ये देखा था तो बड़े बड़े हाथी। गाइस ये जो रूट है ये भी एक सिंगल रूट है और मैं भी रामनगर से अपने रानीखेत की तरफ जा रहा हूँ। तो भाई मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि मैं करीबन 12 से 13 साल बाद इस रोड में आ रहा हूँ और मुझे इस रोड का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आगे जाके रोड कैसे होने वाली है। अभी तो फिर भी ठीक लग रही है, हाँ इसमें डामर वगैरह सही पड़ा हुआ है, आगे जाके देखते हैं क्योंकि इसमें बीच में नदी वगैरह भी क्रॉस होती है। और गर्जिया माता मंदिर मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि गर्जिया माता के मंदिर की लोकेशन भी इस साइड को ही है। अगर कभी आपको गर्जिया माता मंदिर आना है तो आप सीधे रामनगर जो रोड रामनगर से पहुंचकर अपना ये रानीखेत वाला रूट पकड़ना, उसमें जा सकता है नहीं तो 5 से 6 किलोमीटर जाकर आपको आज गर्जिया मंदिर मिलता है। अभी तो रोड फिलहाल ठीक है लेकिन आगे जाके बहुत ख़राब है। मैंने एक व्यक्ति से पीछे पूछा था मैंने कि भाई सामने रोड आगे रोड कैसी है, उसने बोला कि भाई रोड का ऐसा ही है थोड़ा वो बड़खबड़े लेकिन चलना तो सही से चलना करके, तो वही चीज़ है भाई। बड़े गौर से देख रही है लड़की ये होता है तुम कहीं से भाई आजकल ब्लॉगर निकलते हैं ना, मतलब ये होता है कि भाई वो कोई सी बाइक में चुनाव भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से ब्लॉगर निकलता उसको सामने वाला बंदा जरूर ऐसे मुड़ के देखता है कि भाई ऐसा क्या ही बोल रहा होगा ये। लेकिन जो भी भाई अपनी लाइफ है मस्त रहो मज़े में, बिल्कुल भाई मज़ा आ रहा ड्राइव करने में और जल्द से जल्द पहुँचे घर। भाई तुम्हारे भाई का लुक देखो यार, पूरा हेलमेट मोह करके ब्लॉग हाथ से बना रहा हूँ मैं, स्टैंड में ज़्यादा उतना वाइड एंगल लेंस वाइड एंगल उतना दिख नहीं रहा है बट मैंने हाथ से बनाया, हाथ से थोड़ा कैमरा पीछा करके तो तब जाके भाई चैनल को शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत कर रहा है भाई, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ बहुत देर। गाइस मेरा शक सही निकला जो मैं सोच रहा था भाई, ये रोड परम बकचोद रोड है भाई क्योंकि भाई मैंने पीछे जो नदी क्रॉस की है ना भाई उसके आगे इतनी बड़ी मिट्टी इतने गड्ढे भाई बसें झुक जा रही हैं और ये रोड इतनी सिंगल है कि भाई अगर सामने से मेरी कोई बस आती ना वो डायरेक्ट मुंह पे आती है भाई और मैं यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल भी चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई और भी राइडर भाई है अगर वो रामनगर से रानीखेत को जा रहा है तो भाई चाहे तुम्हारे पास हायाबूसा तुम्हारे पास रॉयल एनफील्ड हो तुम्हारे पास निंजा ZX 2R हो कुछ भी हो भाई इस रोड में 40 से ऊपर मत बढ़े। देखो ये सामने पे आ रहा है सीधे सामने पे आ रहा भाई जो
गाइस मैंने थोड़ा अभी स्टे किया था, मेरा मुंह देख रहे हो कैसा हो रहा है, टीका भी का सब फैल रखा है। और मैं हूँ सौराल में। सौराल मतलब ये है कि रामनगर से जब आप रानीखेत या रानीखेत से रामनगर जाते हो, तो बीच में एक ऐसे स्टेशन है जहाँ पर आप चाय पानी के लिए रुकते हो। और यहाँ के पकौड़ी रायता वगैरह बहुत फेमस है। मैं आपको दिखाऊंगा एक जो हमारे यहाँ धारा बोलते हैं, सर आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो धारा के स्रोत भी है। और मैंने फिलहाल जो ऑर्डर किया है अपने लिए वो है चने और अपना चाय, क्योंकि जिम करता हूँ तो मैं फालतू चीज़ बाहर ही खा नहीं सकता। तो गाइस फिलहाल मैं खाना वाना खाता हूँ, थोड़ी ऑफिस का काम भी है, साथ साथ फ़ोन में आरती से ऑफिस से काम भी करवा रहा हूँ और बहुत चीज़ें हैं। बट तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ फिलहाल, स्थान पहुँचने वाला हूँ। और मैंने रामनगर रोड ऐसी कि भाई यहाँ तुम ब्लॉगिंग मुश्किल से कर सकते हो। और दूसरा ये था कि मैं हूँ फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, हेलमेट भारी, ऊपर से बहुत छोटी रोड, मतलब ये कि एक सिंगल वे है, पता है इसमें ना कोई और गाड़ी ऐसे आ भी नहीं सकती। एक तो पूरा सिंगल वे है, और हल्द्वानी वाला वे जो है वो थोड़ा अच्छा है, मतलब उसमें ऐसा है कि वो डबल साइड डबल लेन है, ये सिंगल लेन है पूरा। और यहाँ से बट ये है कि ब्यूटी ऑफ हिल्स देखो यार, कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी गाड़ी में कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर भी है, और जिससे मैंने कनेक्ट किया गाड़ी को और फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी पूरी लो हो गई थी। देहरादून से मैंने अब चार्ज किया, मतलब काफ़ी बैटरी बैकअप भी फ़ोन का बड़ा सही है। और अभी पहले मैं जाऊँगा मामी के वहाँ, उसके बाद जाके गाइस मैं फिर निकलूँगा अपने घर को, क्योंकि मामी लोग रास्ते में रहते हैं तो मम्मी ने फ़ोन किया तो खाना बना देंगे मेरे लिए। और बाकी फ़िलहाल एक बार ब्यूटी देख लीजिए आप, बिल्कुल पहाड़ों की। देखो यहाँ पे ना आसमान पूरा नीला रहता है गाइस, पूरा नीला आसमान, और वहीं आप कहीं और प्लेन्सों में देखो कोई आसमान नहीं। और ये जंगल जो आप पूरा देख रहे हो ये पूरा बांस का जंगल है। ये भगवान, ये सब वीडियो आराम से बैठ जा। सुन मैं रात रुकने के लिए नहीं आ रखूंगा, मुझे घर जाना है अभी। पागल है क्या? है नहीं तो रात को रुकने के लिए दीसा बोल रही थी रुकेगा, मैंने कहा हाँ रुकेगा कहा सो जल्दी ड्यूटी छोड़ गया। ऐसा मेरा नौदा ही है जो सामने दिख रहा है, जहाँ से पढ़ाई की थी मैंने। हेलो बोल, हाय कर, हाय गाइस बोल, हाय गाइस कैसे हो बोल, भट्टी जल्दी बोल। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मामा के घर, और शकल मेरी ऐसी 12 बज चुके हैं, शकल ना पूरे, बाल भी खराब, हेलमेट पहना था। और यह है मेरी छोटी वाली भांजी, मेरी जो छोटी वाली बहन है उसकी बेटी है, मामा की लड़की है अंजलि, उसकी बेटी है। उसको भी दे पट्टी। हाय बोल, हाय गाइस, हाय गाइस कैसे हो? अच्छा ये अच्छी बच्ची है, मेरी गोद में आ गई एकदम से, देख। हेलो कह दो, हेलो करो ऐसे, ऐसे करो, हेलो करो जल्दी करो, हेलो उसको बोल रहा हूँ मैं। बेटा तुम भी करो, बुआ को जानती, बुआ को अपने हैं, बुआ कहाँ चलेगी? बुआ नहीं, तुमने तुम बुआ आती थी तो तुमने देखा नहीं। अच्छा हमने देखा नहीं, हाँ। कहाँ है बुआ? बुआ वो घर को चलेगी। कहाँ घर को? घर को वहाँ दूर देगी। अच्छा वो तुम्हारे तेरी दिशु मौसी कहाँ है? मौसी कॉलेज आई है। कॉलेज गई है, कब आएगी? आज ही तुम आएंगे ना फिर आ जाएगी देखने। अच्छा तो फोन कर उसको बोल जल्दी घर में आ रखूं करके। अभी मम्मी फोन करेगी। मम्मी करेगी, तू नहीं कर सकती फोन? मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं है? मैं दूं फोन? नहीं दूं, मेरा फोन ले ले। टॉयलेट वॉलेट करेगी कपड़े। दोस्तों फाइनली लंच वगैरह करने के बाद मैं मामी के वहां से आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी लंच करने के लिए रुकना पड़ा। और मैंने कहा थोड़ी गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, वरना मैं दिन में 2 या 2.5 बजे अपने घर पहुंच जाता, बट मैं पहुंचा नहीं। अभी बज रहे हैं शाम के 3:48 हो रहे हैं, हाँ 3:48 गाड़ी के हिसाब से 3:48 हो रहे हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी का टाइम थोड़ी मतलब 2-3 मिनट आए ही है, तो मतलब मैं लगा लूँ कि 3:45 हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं अभी निकल चुका हूँ बद्रोस खान से, और मैंने रिक्शी क्रॉस करके मैं पहुँचा हूँ ताड़ीखेत वाले मार्ग पे, कंट्यू टाउन पे गाड़ी निकल गई है। और मैं हम निकलेंगे सोनी वाले रास्ते से, जो सोनी का रास्ता है सोनी से निकलेंगे सीधे, क्योंकि हमारे घर का शॉर्ट रास्ता है, रानीखेत जाने में कोई फायदा नहीं, उसे भी लेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने घर वाले मार्ग पे, क्योंकि यह है सोनी से शॉर्ट रास्ता है जो सीधे तिपोला में मिलेगा,
और उसके बाद मैं सीधा अपने घर जाऊंगा। और सब ने देखो दिवाली की दुकानें लगाई हैं, बट दिवाली के टाइम माहौल बड़ा अच्छा रहता है, सब लोग घर आए हुए रहते हैं, ये यहाँ की खुशहाली है। भाई यहाँ सबने नई नई टैक्सियाँ निकाली हैं। और भाई देखो पहाड़ में वो धार में धूप है, वो उधर दिख रहा है आपको साइड में, उधर वहाँ धूप है। और पहाड़ों में ऐसी रोड थी देखो, सिंगल रोड, यहाँ को ऐसा नहीं कि मतलब डबल साइड रोड हो, ऐसा कुछ नहीं, सिंगल रोड है। इसी में ट्रक भी आएंगे, इसी में छोटी गाड़ी, सब बाइक, इसमें सब कुछ। और मैं इसे बताऊँ, बुलेट में ना रॉयल एनफील्ड की खासियत है, इसमें क्लासिक और जो क्लासिक और स्टैंडर्ड होती है थोड़ी कट लंबी होती है, जैसे और बाइक के मुकाबले थोड़ा लंबी कट लेते हैं। तो पहाड़ों में बुलेट थोड़ी आराम से चलानी चाहिए गाइस, चाहे कोई कितना ही परफेक्ट राइडर क्यों ना हो, लेकिन अनहोनी होने में टाइम नहीं लगता है। तो यह है कि भाई पहाड़ों में जितना स्लोली, जितना आराम से बुलेट चलाओगे वो उतना ही बढ़िया रहेगा भाई। ओपन जीप, एक टाइम पे मेरा सपना था गाइस ऐसी गाड़ी लेने का, बट मुझे बाद में पता चला कि ये गाड़ियाँ सिर्फ ऑर्डर में बनाई जाती हैं। पर लेंगे कोई नहीं, जैसे बुलेट ली वैसे और भी गाड़ी लेंगे। फिलहाल मैं निकलता हूँ घर को टाइम पे, और मुझे लग रहा है कि शायद, क्योंकि यहाँ को मम्मी का फोन आया था मेरे कि यहाँ को बाग बाग हो रही है। पहाड़ों में ऐसा होता है कि देखो पहाड़ की रोशनी है, घर का बाग आ जाए, तो इसलिए हमें जल्दी घर जाना पड़ता है टाइम पे। अभी भले शहरों में इस टाइम पर लोगों में नहीं है, चाय वाय पी रहे होते हैं और शाम को निकलते 7 बजे, लेकिन यहाँ तुम्हें 7 बजे घर के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस यहाँ से मेरे गाँव की सीमा प्रारंभ हो चुकी है, और अब यहाँ से अपने ये मेरे जो गाँव की बाउंड्री है ना, ये देख रहे हो आप, ये पूरा गांव स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे तीर्थ मैया का मंदिर है। गाइस जल्द ही घर पहुंचने वाला हूं, और करीबन 500 मीटर पे हूं मैं, और ये हमारा दीपा मैया का मंदिर, एक माता दीपा मैया का मंदिर है, जय दीपा मैया की। और मैया से कल सुबह आके मुलाकात होगी, और वो सामने देख रहे यहाँ से जो नीचे मार्केट है, और ये पूरे जो पहाड़ खुदे हुए देख रहे हो आप ना भाई, ये रोड चौड़ी की गई, वरने रोड बहुत पतली थी। और यहाँ सामने से नीचे हमारे सिलेंडर का ट्रक भी गिरा था बचपन में भाई। और देखते हैं, मैं गाड़ी पहली बार घर ले जा रहा हूँ, जब से गाड़ी ली है मैंने, अप्रैल में गाड़ी ली थी, तो आज घर वालों का, गांव वालों का रिएक्शन देखिए भाई कैसा, बस नज़र लाइक से किया कि सारे पड़ोसी जलते बहुत करे गर्म गोड़ी से नज़र ना लगे सारा, और कुछ भी हो वो देखो सामने पिताजी बैठे हैं भाई मेरे ब्लू शर्ट में, और गाँव वाले इधर, हमने दुकान भी लगाई है भाई। चलो घर पहुँच गए भाई, उतरो गाड़ी से। पहले भाई मैं करता हूँ पहले फ़ोन डिस्कनेक्ट और गाड़ी खड़ी करता हूँ, क्योंकि सामान वामान भी खुल सा रहा है। तो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं घर, और फिलहाल अभी मैं आने को पहले आता लेकिन बीच में थोड़ा ननिहाल पर रुक गया था। और बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, दिस इज़ अ मोटो ब्लॉग। तो देखो पहली बार मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ, उतना एक्सपीरियंस है नहीं जितना एक्सपीरियंस था बनाया, क्योंकि आप जानते हो कि लॉन्ग राइड में थोड़ा एक गोप्रो होना बहुत ज़रूरी, बट आई हैव नॉट अ गोप्रो। और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द कि अपने कलेक्शन में गोप्रो भी ऐड करूँ, और नेक्स्ट उसके बाद कल से आपको मैं जहाँ भी राइड करने जाऊँगा तो आपको उसकी ब्लॉग्स मिलेंगे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।